डीपीसी कार्यालय में बीआरसीसी और डीपीसी में हुई लड़ाई, मामला पहुंचा कोतवाली। शिवपुरी में आज शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर सामने आई है। यहां डीपीसी कार्यालय में आज डीपीसी और बीआरसीसी में जमकर लड़ाई हो गई है। यहां आपको बता दें कि डीपीसी अशोक त्रिपाठी ने कंप्यूटर ऑपरेटर को फ़ोन लगाया और बीआरसीसी के बारे में पूछा और गालियाँ भी दी। इसके बाद ऑपरेटर ने ये वीडियो बीआरसीसी को दे दी, जिसके बाद डीपीसी और बीआरसीसी में जमकर विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार इसी शनिवार को डीपीसी अशोक त्रिपाठी ने बीआरसीसी बालकृष्ण ओझा को फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। इसके बाद डीपीसी अशोक त्रिपाठी ने कंप्यूटर ऑपरेटर हेमंत खटीक को फ़ोन लगाया और पूछा कि उनके बीआरसीसी बालकृष्ण कहाँ हैं। इस बात में उन्होंने गाली की भी इस्तेमाल किया। हेमंत खटीक ने बातचीत का ऑडियो बीआरसीसी को दे दिया। इसके बाद दोनों में इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और मामला कोतवाली थाने तक। श्रीमान के द्वारा जब भी कोई बात की जाती तो हम बात करते हैं जो गाली गलौज या दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। आज एक कल विषय में एक हमारे कर्मचारी से बात करने में उन्होंने गाली का प्रयोग किया था। इससे पूर्व की भी एक रिकॉर्डिंग मेरे पास है जिसमें उन्होंने ये नीचा दिखाने का प्रयास किया है। मैंने साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे ही दूंगा, तुम्हें जो अच्छा लगे तो करो। और साहब ने चांटा मारा और चांटा मारने के बाद में उनने ये कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे तो देख लेना। उस दौरान मेरा चूंकि और लोग भी कर्मचारी आ गए, उनने गुत्थम गुत्था कर दिया था साहब ने, फिर उनने बीच में चाहिए। जैसे आपने अभी बताया कि वो दबाव बना रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो दबाव क्यों बना रहे हैं, क्या कारण है? अब दबाव बनाने का कारण तो श्रीमान ही बता सकते, अन्य बीआरसी भी हैं, उनकी भी ऐसा ही कहना है। क्या एक कोई व्हाट्सएप ग्रुप में भी कुछ चर्चा हुई थी इस मामले? व्हाट्सएप ग्रुप में कल शाम को थोड़ा चर्चा हुई थी। क्या हुआ ना? वो अन्य विषय था वो, उसमें NMMS के आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं। हाँ। जिसके तहत जनशिक्षा केंद्र प्रभारी को आवेदनों का सत्यापन करना था। हाँ। मैंने उसमें ये लिखा था चूँकि ये आईडी अपने पास नहीं है। हाँ। इसलिए हम सत्यापन कैसे कर सकते हैं जबकि दूसरे की आईडी से कार्य होना है। तो उसके बाद में उन्होंने ग्रुप में से जो हम लोग अपनी सूचनाओं को संप्रेषण करते हैं उन्हें हटा करके केवल एडमिन कर लिया था। ये सामने सर, जैसे अभी और भी बीआरसीसी सीएससी वगैरह सर्किट हाउस जा रहे हैं कि क्षेत्रीय विधायक और भी मंत्री से मिलने, मैं माननीय मंत्री जी से अपना पक्ष रखूँगा, अपना पक्ष रखने के लिए। थैंक यू सर। ओके।